पिछले साल पूरा साल तो लॉकडाउन था एक हिसाब से देखा जाए। तो आज से एक साल बाद फिर मैं यहाँ इस कार्विन बीच में आया हूँ। करीब एक साल से ज़्यादा हो गया, एक साल एक महीने के बाद मैं आया हूँ। तो कार्विन बीच पहले से थोड़ा छोटा हो गया है और थोड़ा साफ सफाई भी ज़्यादा है। तो मैं और जसवंत है मेरे साथ। कुछ चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है तो हम चेक कर रहे हैं। सनराइज़ देखना था लेकिन वो तो शायद नहीं होने वाला है। सनराइज़ तो होगा लेकिन क्लाउड के पीछे। तो कुछ फ़ोटो वगैरह खींचना था, देखते हैं कैसा है और एक साल में क्या चेंज हुआ है। चलिए मैं आपको भी दिखाता हूँ। चलिए पूछ के देखते हैं अगर फ्री में देते कि हमें पैसा से देते। चलिए देखते हैं। तो मैंने मास्क नहीं पहना है अभी, तो कोई है नहीं फिलहाल। लेकिन एक अंकल पीछे पीछे आ रहा है कैमरा पकड़ के, शायद मेरा फ़ोटो खींचना चाहता है, पता नहीं। देखिए सनराइज़ हो गया है, बहुत ही बेकार वाला। पिछला साल मैंने जो आपको वीडियो पे दिखाया था उस टाइप का तो बिल्कुल नहीं है। मैं एक महीना लेट हूँ उस महीने से, तो शायद यही वाला देखने मिलेगा इस साल। लेकिन बीच बड़ा अच्छा लग रहा है, काफ़ी मस्त। ये थे हमारे पुराने भाई लोग। वो पुराना वाला तो नहीं है पर ये है, मुझसे डरो मत भाई। तो यही है, पुराने वाले का है मुझे नहीं पता। मैंने पिछले साल ही उन लोगों को आखिरी बार देखा था, उसके बाद तो कभी देखा नहीं। मैं शाम को आया हूँ कभी कभी, लेकिन सुबह मैं एक साल के बाद ही आ रहा हूँ। तो थोड़ा सा इंजॉय कर रहा हूँ। ओ मैं फिर से आ गया हूँ पुराना वाला छोटा सा ब्रिज में। तो चलिए चढ़ के देखते। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, आई थिंक थोड़ा कुछ किया है, बनाया वगैरह गया है तो टेढ़ा हो गया। तो चलिए देखते हैं कैसा होता है। अगर आप सुबह सुबह इस जगह पर आते हो तो इसमें आप इंजॉय कर सकते हो शाम को, लेकिन दिन वगैरह में आप इसमें इंजॉय नहीं कर सकते। लेकिन कितना मज़ा आ रहा है। तो पहले ये वाला छोटा सा ब्रिज जो प्लास्टिक का ब्रिज है, पहले थोड़ा सा उस साइड हुआ करता था लेकिन अभी इस साइड हो गया है। तो एक साल में थोड़ा सा डिफरेंस तो होता है ना। तो कुछ ज़्यादा मज़ा तो नहीं आया, मौसम थोड़ा ख़राब है। तो कैमरा भी लेके आए थे हम, लेकिन किसका फ़ोटो खींचेंगे, कुछ खास तो है नहीं। बोरिंग हो गया इस साल, सही टाइम पर मैं उठता नहीं हूँ ना, इसीलिए घर के लिए टाइम पर जस्ट टाइम पर। और आपका? हम जस्ट इनके साथ आए हुए हैं। तो आपको फिश खाना कैसा लगता है? अच्छा लगता है यहाँ का फिश।
तो चलिए मैं आपको किसी से मिलाता हूँ, जो मेरे पिछले साल वाले वीडियो में था ना कार्बिन पे, जो एक डॉगी को मैंने बिस्कुट खिलाया था वो ये है। देखिए भाग रहा है मुझे देख के, ये वही वाला है। इसके साथ और एक थी डॉगी, तो यहीं कहीं पे है, वो भी मैंने अभी अभी देखा है। मैंने उस वीडियो को दोबारा चलाया और देखा, चेक करा कि यही दो है, ये एक है और दूसरी भी यहीं कहीं है। मैंने जो पिछली वीडियो में जिन्हें बिस्कुट खिलाया था, ये वही वाली है। तो इन्हें देख के बहुत ही अच्छा लगा कि लॉकडाउन के बाद ये दूसरे बार मुझे दिखे हैं। उस टाइम पहली बार देखा था लॉकडाउन से पहले, बहुत ही अच्छा लगता है इनको देख के। तो इस साल कुछ खास नहीं है, बस अभी हम थोड़ी देर में घर निकल जाएंगे। बढ़िया वाला सनराइज नहीं हुआ, बोरिंग हो गया। इस साल उस तरह का वीडियो नहीं बना पाया, फिशिंग भी वगैरह नहीं हो रहा है, बस यही है। ठीक है, फिर हम निकलते हैं घर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। लेकिन थोड़ा सा कार्बिन बदल गया है, पहले से बहुत ज़्यादा साफ है, पता है ना क्यों। पिछले साल पूरा साल तो लॉकडाउन था एक हिसाब से देखा जाए, तो गंदगी बहुत कम हुई है इस बार। तो बहुत ही बढ़िया बीच लग रहा है, बार ख़तरनाक वाला मज़ा है, बस आप इंजॉय कर सकते हो। प्लीज़ जो भी यहाँ पे आते हैं तो प्लीज़ बीच को गंदा मत कीजिएगा, ऐसे ही साफ़ रखिएगा।